Hello everyone welcome back to my YouTube channel thanks komal for requesting this topic on marketing that is called what is marketing in this video i will be explaining you the whole definition i'll also try to break down the whole definition so that you can understand in a really good way uh, if you have been following my channel thanks for your support if you are new to my channel do subscribe my channel so let us define what marketing is so how do we can define marketing सो अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन अब अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन एक वो एक बहुत ही पावरफुल एसोसिएशन है जो कि मार्केटिंग के एरिया में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस कराती है बहुत सारे कंसेप्ट देती है वी कैन से दिस एज अ वेरी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग हम इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड बोनस सेशन करेंगे कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कैसे फॉर्म हुआ और कैसे इसके बारे में बात होती है तो विल टेक अप सम बोनस सेशन ऑन दिस तो उन्होंने क्या डिफाइन किया मार्केटिंग को Are a definition definitions, but this is one of the most standard definitions of marketing. Let's take up the marketing is an activity. It is a set of institution and process for creating, communicating, delivering and exchanging offering that have value for customers, clients, partners and society at large. जब फर्स्ट टाइम मैंने इस डेफिनेशन को देखा था मैंने बहुत बार याद करने की कोशिश की और मुझे लगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन एंड मोर इंपॉर्टेंटली इट इज नॉट अबाउट द क्रैविंग पावर ऑफ डेफिनेशन इट इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ द डेफिनेशन दट क्रिएट्स द डेफिशन दैट क्रिएट द डिफरेंस तो हमें इसको समझना है तो लेट्स टॉक अबाउट्स इसको मैं पूरा सिंप्लीफाई कर देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू लेट्स डिफाइन दिस लेट्स डिकोडिफाई दिस डेफिनेशन इस डेफिनेशन को जो मैंने अभी आपको जस्ट पढ़कर बताया इसको डिकोडिफाई करते हैं The first thing you are talking about in this is is we are talking about creating. Now what we are creating? कोई भी कंपनी क्या create करती है कोई भी कंपनी या तो product create करती है या वो service create करती है हम आगे चल के प्रोडक्ट और सर्विस की भी बात करेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या होता है बट अभी एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ प्रोडक्ट एनीथिंग विच इज फिजिकली जो जिसको आप फिजिकली टच और फील कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑन द अदर साइड सर्विस इज समथिंग जो आप जिसकी ओनरशिप आप नहीं ले सकते फॉर एग्जाम्पल Uh, कोई बैग ले लें आप इफ देर इज़ अ बैग तो हम इसको मार्केट से जाके खरीद कर लेकर आ सकते हैं तो आपका ये बैग हो जाएगा द बैग बिलोंग्स टू यू बट लेट अस सपोज इफ यू आर बाइंग अ टिकट्स टू अ मूवी अगर हम किसी मूवी टिकट्स को खरीद रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए उस टिकट को ओन करते हैं उस सीट को ओन करते हैं बट दैट डजेंट मीन कि उस हॉल की वो सीट आपकी हो जाएगी और आप मूवी के बाद कहेंगे कि मैं ये सीट लेके घर जाना चाहता हूँ ियसली आप ये नहीं कह सकते तो दैट मीन्स सर्विस में आपको ओनरशिप नहीं मिलती इट इज नॉट लाइक अ फिजिकल गुड कि आप सोप खरीद कर ले आए शैंपू खरीद कर ले आए और अब आप उसके ओनर हैं तो ऐसा नहीं होता बट यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि कंपनी क्या क्रिएट कर रही है कंपनी या तो प्रोडक्ट क्रिएट कर रही है या तो वो सर्विस क्रिएट कर रही है दैट्स द फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग क्या कर रही है आप आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अब आपने जो भी बनाया है अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं आप सर्विस बना रहे हैं आप कुछ भी बना रहे हैं तो आपको फाइनली उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कम्युनिकेट किसको करना पड़ेगा कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू द कस्टमर्स जो कस्टमर आपका कस्टमर है जो एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है तो अगर कोई प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है तो उस तक वो सर्विस अगर नहीं पहुंचेगी तो हाउ ही विल बाय इट अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मेडिसिन बनाई है और बहुत सारे लोगों को उस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है बट अगर आप उनको बताएंगे ही नहीं कि वो मेडिसिन किस पर्पस के लिए है और वो मेडिसिन आपने बनाई है और वो मेडिसिन कैसे खरीदी जा सकती है ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी यू नीड टू कम्युनिकेट ऑल दीज थिंग्स टू द कस्टमर अगर कस्टमर को पता चल जाएगा कि वॉट यू आर मेकिंग एट वॉट प्राइस यू आर मेकिंग फ्रॉम वेयर आई कैन गेट दैट प्रोडक्ट हाउ आई कैन यूज दैट प्रोडक्ट अगर ये सारा कुछ आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे दैट मीन्स द कस्टमर विल फाइंड वेरी इजी टू यूज यूर प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेशन हम जनरली कैसे करते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट हो सकता है आगे इस प्रोग्राम में हम पूरे डिटेल फॉर्म में बात करेंगे कि एडवर्टीजमेंट किस किस तरह की होती हैं बट एडवर्टीजमेंट इज वन ऑफ द प्रायरिटी मीडियम थ्रू विच यू कैन कनेक्ट टू द कस्टमर्स आप कनेक्ट कस्टमर को कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आपने एक बार क्रिएट कर दिया प्रोडक्ट और सर्विस को फिर आपने कम्युनिकेट कर दिया देन वॉट यू नीड टू डू देन यू नीड टू डिलीवर अब डिलीवर मीन्स कि आप प्रोडक्ट कस्टमर को कैसे वो प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो नियर बाय स्टोर में वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मेकिंग कोक यू आर मेकिंग पिप्सी तो अगर ऐसा प्रोडक्ट आप मार्केट में बनाते हैं तो अगर वो नियर बाय स्टोर में नहीं मिलेगा तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा तो दैट मीन्स यू डिलीवरी शुड भी इन द नियर बाय लोकेशंस इन इन कंटेक्सट ऑफ द प्रोडक्ट ऑन ऑन द अदर साइड सर्विस मस्ट बी वेरी रिस्पॉन्सिव सर्विस की डिलीवरी बहुत रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए बहुत क्विक होनी चाहिए बहुत रिलाईबल होनी चाहिए ये सारी चीज़ें आप सर्विस के साथ जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वॉट इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट इज यू नीट टू क्रिएट आप सबसे पहले प्रोडक्ट को क्रिएट करें सर्विस को क्रिएट करें दे यू नीट टू कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट्स और थ्रू वर्ड ऑफ माउथ एंड देन वी नीड टू टॉक अबाउट डिलीवरिंग ऑफ आपको फाइनली कस्टमर को वो डिलीवर करना है क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सिर्फ सुनेगा नहीं फाइनली उसको लेने आएगा अगर वो प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो दे विल कम टू बाय दैट प्रोडक्ट सो इफ दे आर कमिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट दैट मीन्स यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी आपका डिलीवरी बहुत अच्छा होना चाहिए एंड देन यू नीड वैल्यू इन एक्सचेंज वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है इस डेफिनेशन में वैल्यू मीन एट द एंड ऑफ द डे दैट प्रोडक्ट मस्ट क्रिएट वैल्यू हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है दैट इज वैल्यू वैल्यू को अगर मैं सिंपल टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करूं वैसे हम वैल्यू के ऊपर सेकेंड वीक में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि वैल्यू क्या होता है अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं कि वैल्यू कि हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है दैट्स दैट्स वैल्यू ठीक है तो अगर हमें वैल्यू और इन एक्सचेंज इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस तो आप बेसिकली प्राइस दे रहे हैं किसी चीज के लिए चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सर्विस है और उसके बदले में आपको वैल्यू मिल रहा है तो आपको वैल्यू भी मिलना चाहिए दैट मीन्स आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं है आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जो वैल्यू क्रिएट करे अगर वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा तो आप कम्युनिकेट कर लें आप डिलीवर कर लें उसका फायदा कुछ नहीं होगा अल्टीमेटली द कस्टमर विल नॉट बाय इट अगेन कस्टमर हो सकता है एक बार आपसे धोखा खाके खरीद भी ले लेकिन उसके बाद दोबारा कभी उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा सो इन सिंपल टर्म्स वॉट यू नीड टू तो अगर मार्केटिंग को हम सिंपल सिंपल टर्म्स में रखें इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग कम्युनिकेटिंग डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ अ प्राइस इट्स सिंपल सिंपल टर्म्स में जो ऊपर हमने पढ़ा था ऑब्वियसली वो एक प्रोसेस है वो एक एक्टिविटी है और उन्होंने कस्टमर्स को मल्टीपल नेम्स के साथ डिफाइन किया है कस्टमर्स क्लाइंट पार्टनर वो कुछ भी हो सकता है तो इसलिए वो डेफिनेशन थोड़ी सी लैबोरेटिव लगती है बट अल्टीमेटली जो उसका कोर है वो यही है सी सी डी वी कैन डिफाइन इट एज सी सी डी दैट इज क्रिएटिंग कम्युनिकेटिंग डिलीवरिंग वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ अ Thanks for watching we'll be meeting in the next session very soon if you like anything in my video do subscribe to my channel and hit the like button and share it with your friends as